मैं विवेक शर्मा, आज मैं खड़ा हूँ नवाबगंज तहसील के शमशान भूमि में। और शमशान भूमि के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं गोपाल गुप्ता। और देखते हैं उनके कार्यकाल में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इस शमशान भूमि में, और जानेंगे गोपाल गुप्ता द्वारा नवाबगंज में शमशान भूमि का विस्तार। मैंने जब मैं इसका अध्यक्ष बना था तो ये पहले इस दलेर नगर वाले रोड पर ही इसका ये खरंजा रोड था, लेकिन मैंने इसके लिए हाईवे से एक नया रोड दिया है जिसकी लागत करीब 5.5 लाख रुपए है। उसके बाद एक बहुत भव्य मोक्ष द्वार बनवाया है, वो भी 5.5 लाख रुपए की लागत से बना है। उसके बाद श्रद्धा स्थल बैठने के लिए हाट, जो पुराने रोड पे खरंजा बिछा हुआ था इस पे सीसी रोड, और एक ये मार्केट और काली माता का मंदिर, और भी जो पुराने काम थे सभी के जीर्णोद्धार नए तरीके से जन सहयोग, जन प्रतिनिधि के सहयोग द्वारा किया गया है। लगभग कितने लाख के ये कार्य कराए गए हैं शमशान भूमि में? ये सारे मेरे जो कार्यकाल में 3 साल में विकास हुआ है, करीब 60 लाख रुपए का कार्य है। अब चूंकि अब 3 साल तीन दिन बाद इस समिति के नए कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है, आप
इसमें फिर दावेदार हैं अध्यक्ष के रूप में, किस तरह की आपकी योजना है, लोगों से क्या किस तरह के सहयोग चाहते हैं आप? मैं कांवरथी हूँ, 7-8 साल की उम्र से कांवर चढ़ा उपासक हूँ और ये शमशान भूमि के लिए सिर्फ धाम कहते हैं और मेरे आराध्य हैं भोलेनाथ, ये उनका धाम है। तो मैं यहाँ पर जो इस कठिन घड़ी के टाइम इंसान के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, लकड़ी है, ठंडा है, भत्ते व्यक्ति के लिए ज़रूरत पड़ती हैं, सारी सुविधाएं मैं यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे मैं दूंगा भी। खास तौर से क्या योजना शमशान भूमि में, ऐसा कौन सा निर्माण, कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए थी, बनना चाहिए थी जो, क्योंकि 3 साल का समय बहुत लंबा समय नहीं होता है, फिर भी 60 लाख के काम आपके द्वारा कराए गए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, आपके दिल में रह जाती है, अगली बार मैं चुन के आऊँ तो ये काम जरूरी, वो काम बताएं आपको क्या जिस तरह से शमशान भूमि में भी शेष रह गए हैं। मेरा काम एक तो जो अंत्येष्टि के टाइम लकड़ी कंडा भरा इसकी ज़रूरत है, वो तो सब पूरी कर ही दूंगा। बाकी मेरा यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा भूखंड है, हम इस भूखंड के में एक ऐसा शिव धाम बनाना चाहते हैं जिसमें दीन हीन यतीम विकलांग गरीब विधवा इन सभी लोगों को एक आश्रम बनाना चाहते हैं, उस आश्रम द्वारा हम हर मनुष्य की सेवा कर सकें। आगे का मेरा यही ध्येय है कि यहाँ पर एक शिव धाम नाम से बहुत भव्य आश्रम बने, एक गौशाला बने और बाकी जो भी सुविधाएं हो वह सारी दे सकूं। यहाँ पर मेरा बहुत कुछ करने का मन है, बस यहाँ के बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अपने लिए समय मांगूंगा, अगर उन लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं वो सारे काम पूरे करने का पूरा प्रयास करूंगा। थोड़ा अध्यक्ष जी चाहेंगे थोड़ा और जानकारी देंगे, जो 3 दिन बाद चुनाव है, किस तरह से चुनाव होगा, उसकी पूरी जो चुनाव डिक्लेरेशन हुआ है, कम नामांकन होगा, कम किस तरह से मतदान होगा, उसकी थोड़ी सी हम चाहते हैं चैनल के माध्यम से और जानकारी दें। वैसे तो हमारी इस संस्था में आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ, हमेशा मना हुआ है, मुझे भी मना कर ही अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे बुला के ले गए थे कुछ लोग, बोले इसकी जिम्मेदारी लो, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कांवरथी में भगवान शिव का उपासक हूँ, मैंने यहाँ की जिम्मेदारी ली और बड़ा मुझे जन सहयोग, जन प्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला। अब चूंकि जब इतना काम होता है तो राजनीति घुस जाती है, तो कुछ गंदी राजनीति इसमें घुस गई जो लोग इसको चुनाव कराना चाहते हैं। वैसे यहाँ का बुद्धिजीवी बहुत बड़ा वर्ग एक लगा हुआ है कि इसका निर्विरोधी चुनाव, बाकी अगर चुनाव, अब इसमें देखो क्या होता है, चुनाव का जो है कल इसका नामिनेशन है और परसों इसकी वोटिंग होगी और परसों ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राजकुमार तिवारी नाम है। ये शमशान भूमि में ही आप देख रेख पर रहते हैं? शमशान भूमि कार्यालय की देख रेख में है। ये अभी 2 दिन बाद जो है शमशान भूमि का चुनाव है और किस तरीके की तैयारियां हैं इसकी और आपको क्या लगता है क्या होगा चुनाव में? ये वैसे तो पहले चुनाव नहीं हुआ करता था, ऐसी चुनिया का मतलब अपने सदस्य के बने हुए हैं वो अपने हिसाब से चुन लिया करते थे, अब इस बार चुनाव का जो रखा गया है वो चुनाव होगा, इसका परिणाम जो आगे आएगा ही। कांवरथी गोपाल गुप्ता जी हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करा है शमशान भूमि को और शमशान भूमि में बहुत ज़्यादा निर्माण हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, लगता है कि दोबारा गोपाल गुप्ता जी को अध्यक्ष चुना जाएगा? जी, दोबारा चुनने का पूरा उन्हें अधिकार, मतलब जो सभी लोगों को है कि उन्होंने विकास करा है यहाँ पे, उनके समय में जो विकास हुआ है, साफ सफाई है और सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, आगे को देने की उनकी जो चाहत है, इच्छा है, वो भी पूरी करने के लिए जो इस बात नहीं हो पाई है, इसलिए आगे और भी तरीके के कायाकल्प होंगे। जी हाँ, होने की पूरी संभावना है। ठीक है, पहले तो मुझे कहने जा रहा हूँ चुनाव पहले होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो गोपाल गुप्ता ने इतना विकास कराया है, मेरे ख्याल से 30 साल से आज तक इतना शमशान भूमि विकास हुआ ही नहीं, चुनाव का तो उचित ही नहीं है कोई। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गोपाल गुप्ता को ही अध्यक्ष रहने देना चाहिए आगे? हाँ, गोपाल गुप्ता को अध्यक्ष रहना चाहिए क्योंकि उनने विकास कराया है और शमशान भूमि का, और जो है हम लोग उनके साथ हैं और जो जहाँ भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, माननीय विधायक जी से या चेयरमैन साहब से या किसी से, जैसा इसका उद्धान होगा हम करने के लिए तैयार हैं, उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। कल जैसे कि नामांकन है, उसके बाद अगर चुनाव भी होता है तो आप जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करना चाहूँगा पुनः जो है गोपाल गुप्ता को अध्यक्ष बनाएं और विकास के कार्य में रोड़ा ना बनें।